एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में बताऊंगी। ये कविता क्लास 7th की बुक वसंत में है, जो कि NCERT बुक से है। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता में आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है पंछियों के माध्यम से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता पक्षियों के बारे में है। खुले आकाश में उड़ने वाले पंछियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। पक्षी कह रहे हैं, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गाना नहीं गा पाएंगे। चाहे हमारा पिंजरा सोने का हो, सोने की सलाखों से टकरा कर हमारे पुलकित पंख, यानी कि जो हर्ष से भरे हुए हमारे पंख हैं, वो टूट जाएंगे। यहाँ पे कनक माने सोना है और पुलकित माने हर्ष से भरे हुए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम तो बहता पानी पीना पसंद करते हैं, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो क्या कटोरी में रखा दाना पानी हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। चाहे वह कटोरी सोने की हो, उससे उसमें मैदा हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हमें नीम की कड़वी निम्बोरी लगेगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला होती हैं जो कि गले में एक सोने की जंजीर डाल दी जाए। पंछी कहते हैं, भले ही हमारे गले में सोने की जंजीर डाल दी जाए, इससे हम अपनी गति उड़ान भूल गए हैं और पेड़ों पर, यानी कि तरु, तरु माने पेड़ों पर झूला झूलना तो हम केवल सपनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि पंछी तो पिंजरे में कैद हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पंछी कहते हैं, हमारे भी अरमान है कि हम भी उड़ते हुए और आसमान के दूसरे छोर तक उड़ते, और क्या करते हम सूर्य की लाल किरणों जैसी अपनी चोंच से तारे जैसे अनार के दाने खाते। पंछी कहते हैं, हम सीमाहीन होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी होड़ लगाना चाहते हैं कि वो क्षितिज तक जाएं। क्षितिज क्या होता है? जो दूर धरती आकाश का एक मिलन हम देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देता है, उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो फिर क्या होता, या तो वो क्षितिज तक पहुँच जाते या उनकी मृत्यु हो जाती। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहते हैं, भले ही तुम हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो या हमारे घोंसलों को भी तोड़ दो, लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में कोई विघ्न मत डालो। ये शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है क्लास 7th की। अब इसमें जो सार है वो है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में आज़ादी की महत्ता को बताया गया है। इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से कैद में होने वाली पीड़ा का वर्णन किया है, जहां सब कुछ होते हुए भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए वह जीवन कष्ट देने वाला है। जबकि पिंजरे से बाहर तमाम अभाव होते हुए भी जीवन सुखद है, क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार जिया जा सकता है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पंख होते हुए भी वे वहां पर उड़ नहीं सकते, पेड़ों की शाखाओं पर झूल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त रहकर दूर क्षितिज तक उड़ना और तारों के समान अनार के दाने को चुगना चाहते हैं। इसके बाद है शब्द अर्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के शब्द अर्थ हैं उन्मुक्त। उन्मुक्त माने हैं स्वच्छंद, बिना किसी बंधन के, पिंजरबंद पिंजरे में बंद, कनक तिलियां सोने की सलाखें, पुलकित प्रसन्न, कटुक निम्बोरी
कड़वे नीम का फल, कनक कटोरी सोने की कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, तरु वृक्ष या पेड़, फुनगी पेड़ की वह टहनी जिस पर पंछी झूलता है, अरमान इच्छा, नव गगन आकाश, तारक तारों के समान, क्षितिज धरती और आसमान का मिलन। नेक्स्ट है नीड घोंसला, आश्रय आसरा सहारा, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, आकुल व्याकुल और विघ्न बाधा। नेक्स्ट है आपका तो ये आपकी कविता और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।